वही आजकल रास्ता हो रखा है एक नंबर का, गाइड लग रखी है इसमें टाइल्स वगैरह भी, और कलर देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है, रेड वाइट एंड ग्रीन। तो भाई ये है हमारे यहाँ का प्रवेश द्वार, जहाँ तक ये रास्ता बना गया बड़ा प्यारा वाला। यहाँ से जाना है नीचे भाई, नीचे ले जाऊँगा इस झूल को, धूप भी छुप गई यार, लगभग अंधेरा ना हो जाए बस। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग, स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही शाम के टाइम में, देखो भाई सारी जगह धूप छुप गई है। तो अभी जा रहा हूँ मैं इसको खेत में रखने के लिए, हल तो मैंने दिन में रख लिया था, अभी जो ले जा रहा हूँ खेत में रखने के लिए, तो कल लगेगा भाई हल, आज भी लगा था तो ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि खेत बड़ा था, तो सोचा चलो आज इसको लगा लेते हैं, कल से ब्लॉग ही तो बनाना है। तो ये रास्ता जा रहा है भाई कुछ इस तरह से, आजकल रास्ते ऐसे हो रखे पूरे पत्थर ही पत्थर भाई। ये देखो ये हमारे यहाँ की सारी बड़ी प्यारी लगती है यार, इसका व्यू आता है यहाँ नीचे, ये धार है ना यहाँ पे, यहाँ से मस्त व्यू आता है। तो जड़े कुछ इस तरह से हो रखी है, धूल ही धूल आजकल, बाप रे बारिश तो आ नहीं रही है, धूल ज्यादा हो रखी है रास्ते में। देखो भाई यहाँ से आ रही है ना इस धार से मस्त व्यू सारे खेतों का, मैंने सोचा चलो एक बार दिखा लेता हूँ, तो मुझे यहाँ से मुड़ जाना है, इसके बाद व्यू भी जो है दिखेगा नहीं, उससे अच्छा कि चलो शूट कर लो। अभी जो कोदे का न्यार वगैरह था, दाल वगैरह, उस खेत का तो सारा हो गया, मतलब उस सारे का तो सारा काम निपट गया। अब इधर है हल लगना और गोबर डालना, तो गोबर भी डाल ही रहे हैं आजकल, बाकी आज से हल लगना स्टार्ट हो गया है सारी जगह। तो भाई अब सुबह सिर्फ मॉर्निंग में बेलों की आवाज़ सुनाई देती है रास्ते में, 4-4:30 बजे बस खण 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 भाई पहुंचने वाला हूँ मैं। यहाँ पे हमारे फांगे छोटे छोटे, कल तो लग ही जाएंगे लगभग, ये धूप एकदम धार में है, 10 मिनट बाद वो भी छुप जाएगी। उठे डांगा, स्वागत है मॉर्निंग के ब्लॉग में। तो भाई ये भाई यहाँ तो लग गया हल, सुबह आ गया था और ये भी कंप्लीट हो गया है, छोटे ही बात। चलो जिसमें लगाते हैं, जो मॉर्निंग व्यू देखो भाई, कहीं आड़े फूके जा रहे कहीं हल लग रहा। भाई आज मौसम चेंज हो गया है देख रहे हो, और मैं ऐसे ही होता भाई, बारिश लग गई मोटी वाली। भाई ओले गिनने लग गए भाई साहब, कितने दिन से बारिश रोक रखी थी इसने, जो सीधे बर्फ के गोले गिनने लग गए आसमान से, दिखाई दे रहे होंगे गारे वाला नमक गिर रहा भाई आज आसमान से। वाह, अब पता नहीं है बारिश कितने दिन बाद रुकेगी, ऐसा ही मौसम रहा तो फिर हल कैसे लगाऊंगा मैं। बारिश शुरू होते ही सीधे रहे बर्फ के गोले, अरे वाह। हमारा न्यू छाता ऐसा कुछ इसका डिजाइन है अंदर से, अरे भाई बारिश 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 ने काम खराब कर दिया, इसलिए इस छाता को लेके आया मैं, खतरनाक लग रहा भाई। चल भाई तो अभी यहीं पर है, तेरा काम हो गया, अब करते हैं आराम। लाइट भी चली गई है, लाइट भी नहीं आ रही है आज, बारिश आई और लाइट भी गायब। ओह हो,
हुने डांगा। गुड मॉर्निंग गाइस, और नई सुबह और बैलों के साथ चले हम खेत में हल लगाने के लिए। तो बारिश के बाद खेतों का जो है कि कलर भी चेंज हो गया है। कल तक हल लगाने में काफ़ी धूल उड़ती थी जैसे बारिश आई, और जो है कि आज हल लगाने के लिए सही होगा। तो एक बार तो सोच रहा था कि अगर बारिश आएगी, जैसे रात में तो आई नहीं, कल जितनी हुई शाम तक हुई, 12 बजे से और 6 बजे तक बारिश हुई, तो फिर रात को हुई नहीं, तो फिर सुबह जो है कि हल लगाने के लिए जा रहा हूँ, तो शायद गीला नहीं होगा, हल अच्छे से लगेगा। बड़े तो ये हमारे दो ढांगे जो कि आराम आराम से जा रहे हैं। तो यहाँ नीचे जाने मुझे हल लगाने के लिए। तो मॉर्निंग का व्यू देखो यार, कितना प्यारा हो रखा है। आसमान में भी आज बादल लगे हुए हैं, पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी। चलो, सरादों में तो बारिश नहीं हुई, सारे काम अच्छे से निपट गए, खेतों के न्यार वगैरह, दाल वगैरह सब कुछ मतलब अच्छे ढंग से निपट गया था। लेकिन जैसे नवरात्रि शुरू हुई, दूसरे दिन ही बारिश आ गई। बैल काफ़ी आराम से जा रहे हैं। उड़े तो भाई हल कुछ इस तरह से लगा। इधर के साइड में आधा झोल भी लगा लिया है। तो अभी बैलों को रेस्ट दे रहा हूँ, और मैं भी रेस्ट कर रहा हूँ, पूरी बॉडी दर्द हो रही है। टाइम भी हो गया है, आज तो ठीक है, मौसम सही है, तो हल लगा सकते हैं। जितनी देर तक खेत में रहो कोई दिक्कत नहीं है। धूप नहीं है आज, क्या पता फिर शाम को बारिश हो जाए। चलो लगा लेते हैं, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। चल उड़े, चल भाई उड़े डांगा। झोल तो बड़ा मस्त लग रखा है ना, इधर की साइड में ऐसे लगाऊंगा। उंडे 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 डांगा उड़े। जो लगाने में दिक्कत नहीं आती है, जो लग जाता है आधे घंटे में पूरा खेत लग गया। हल लगाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। चल लो जी, लग गया पूरा। अब बैलों को खोलते हैं, उसके बाद एक घास रखे हैं, घास भी डाल देता हूँ, उसके बाद जो है चल लेंगे। और अभी कल नीचे ये वाला लगाना है यार, ये वाला है कल तो छोटा है, देख इसके ऊपर वाला है, ये वो भी छोटा ही है। तो हल भी यहीं पर रखूँगा, झोल भी यहीं पर रखूँगा। खाओ घास, खाओ, मजे करो, अब तुम आजाद हो। चलो जी, ये बैलों के मास्क, जिनके हालत ऐसी हैं, कुछ इस तरह से हो रखे हैं, इस पर रखते हैं, सारे तीन पर रखूँगा। अभी जो है कि हाँ, ये है ना, हथियार कहाँ है भाई, इसको निकाल दूंगा, नेड़े को निकालूँ कैसे, एक गिरी है रे, इसको निकालना पड़ेगा। हाँ, निकाल के इसको छुपाना पड़ेगा, नेड़े चोरी भी हो जाते हैं ना, तो इसको छुपाना ज़रूरी है। जो देख रहा है, जिसको चोरी करना है, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, ठीक है, निकाल लेना।
इसमें रख देंगे ऐसे। इसको ऊपर रख देंगे ऐसे मिट्टी, जिससे किसी को पता ना लगे कि यहाँ कुछ छुपा रखा है। लो जी, कोई इतना ज्ञानी तो होगा नहीं जिसको पता होगा कि यहाँ पे छुपा रखा है। इसको भी रख देंगे यहाँ पे। इसको भी यहीं पे छुपा देता हूँ। यस, लो जी ये रख दिया यहाँ पे। यहाँ पे वैसे बारिश भी नहीं आएगी, भीगेंगे भी नहीं, ऊपर से ये है ना पत्थर। तो चलो बैल भी जो हैं कि घास चल लेंगे। अब मैं भी तैयारी करता हूँ घर जाने की। हाथ कपड़े सारे मिट्टी से ऐसे हो रखे हैं, जुकाम भी लग रहा है यार साथ साथ में। अपना जैकेट, पानी की बोतल थी यार इसमें एक। आजकल खेतों में तो पानी ज़रूरी है यार, खाना हो ना हो पानी होना ज़रूरी है। बैलों का मास्क ले 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 ले, गिर गई बच गई रे भाई। एक दो तीन, एक है पानी की बोतल। जुकाम भी लग रहा है खतरनाक। सुबह इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, क्या बताएं। आने का तो मन नहीं करता है खेत में हल लगाने के लिए, पर क्या करें आना पड़ता है। गाय भी चली गई है घर खेतों से चर के। लाइन लगी है भाई इनकी भी घर जाने के लिए। चल चल, कुछ गाय इधर आ रखी हैं खेत में चलने के लिए। मौसम को देख के तो लग रहा है कि आज बारिश पक्का होगी शाम को। अगर फिर बारिश हुई फिर हल लगाने के लिए गीला हो जाएगा, तो फिर ये रेस्ट मिल जाएगा प्रॉपर। नींद तो पूरी होगी कम से कम। मैं तो सोच ही रहा हूँ एक दो दिन लगातार बारिश होती तो मज़ा आ जाता। गाय डर के मारे भागी उधर। ये बेलराज ये रहा अपना गांव पर, जो कि यहाँ से बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि पेड़ इतने हैं कि गांव ही जंगल हो रखा है। ऊपर धार देखो, धार में बहुत कम पेड़ है ना, वहाँ से ज़्यादा पेड़ होंगे गांव में। प्यारे प्यारे फूल भी लगे हैं इस कांटे के पेड़ पे। आज तो नई नई गाड़ियाँ दिखाई दे रही यार यहाँ टैक्सी स्टैंड में। ओडी की गाड़ी है, खिरसू टू दिल्ली आ रखी होगी कहीं। यहाँ भी गाय घास ही चल रही है। आ गया भाई हम अपने घर के काफ़ी नज़दीक। पता नहीं ब्लॉक कितना बना, थोड़ा कल थोड़ा परसों बनाया था, तो ब्लॉक इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं फिर एक नई लाइफ स्टाइल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।